हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वी वर रीडिंग चैप्टर 11 ऑफ ईवीएस कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कम्युनिकेशन। नाउ द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। ओके, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हाउ डू यू गो टू स्कूल या इफ यू गो टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हाउ विल यू गो? You will use scooter, car, okay, rickshaw, bus। इस तरह से आप different means of transport use करते हैं ना। तो do you know that what happened in early times? Early times में जब early human थे तब कोई transport का means नहीं होता था, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे पैदल चल के जाना पड़ता था। ठीक है, सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, इफ देर विल बी नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइफ विल बिकम अनइजी। हाउ वुड यू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसेस? हाउ वुड यू ट्रेवल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? सो टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी नीड ट्रांसपोर्ट। इन अर्ली ह्यूमंस दे गो ऑन फुट, they walk or run। okay, so in villages people use tonga, bicycle and camel cart in these days also, right? so what is transportation? transportation is the movement of people and goods from one place to another। early humans did not have any means of transport। what is transportation? मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो अर्ली ह्यूमंस डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, का कोई मीन्स नहीं होता था अर्ली ह्यूमंस के पास। टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दे हैड टू वॉक और रन, उनको पैदल चल के या उनको भाग के ही जाना होता था एक जगह से दूसरी जगह। लेटर मीन्स बाद में, व्हेन ह्यूमंस स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, जब ह्यूमंस ने एनिमल्स को पालना शुरू किया, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया, ठीक है, और कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी, तो उसने एक ही जगह पे रहना शुरू किया, तो अब उसको एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी। दे यूज्ड एनिमल्स सच एज ऑक्सन एंड हॉर्सेस टू कैरी हैवी लोड्स। ठीक है, उसने ऑक्स और हॉर्स यूज करने स्टार्ट कर दिए बहुत भारी सामान उठाने के लिए। ठीक है, देन अर्ली ह्यूमंस दे ऑल्सो लर्न टू बिल्ड बोट्स टू ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रिवर। ठीक है, उन्होंने फिर धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस ने बोट्स बनानी शुरू की। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह नदी क्रॉस करने के लिए उन्होंने रिवर उन्होंने बोट्स बनानी स्टार्ट की। Thereafter, once the wheel was invented, wheel transport made it possible for humans to travel greater distances and transport heavier loads than before। ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की, एक पहिए की इन्वेंशन की, जिससे जैसे जो ट्रांसपोर्ट है उसमें व्हील यूज होता है, तो उनको धीरे धीरे उन्होंने व्हील की इन्वेंशन की और धीरे धीरे हमारा जो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट है वो आगे डेवलप होती गई। ठीक है, टुडे वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग एयर, लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। आजकल हम कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। सो व्हाट इज लैंड ट्रांसपोर्ट? लैंड ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन लैंड। ठीक है, जो सिर्फ लैंड पे ही चलती है उसको लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ट्रक, वैन, ऑल दीज आर मोड्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बट जो ट्रेन है, ट्रेन रन्स ऑन ए स्पेशल ट्रैक, ट्रेन एक स्पेशल ट्रैक पे, और ट्रेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत फास्ट चलती है और ये ट्रेन के अलग अलग जो स्टेशन होते हैं अपने स्टेशन पे ही जाके ट्रेन रुकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं भी ट्रेन खड़ी हो जाती है, अपने स्टेशन पे पैसेंजर्स वहीं से ट्रेन के ऊपर चढ़ते हैं और वहीं से स्टेशन पे ही उतरते हैं। ठीक है,
So next is water transport. Water transport, it includes ships, boat, steamer, yacht, etc. ठीक है, तो ये जो है हार्बर, एक जो तट है जैसे पानी का, समुद्र का, वहीं पे, वहाँ से ये शिप वहीं से चलते हैं. ठीक है, और ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. ठीक है, और स्लोएस्ट भी है, बहुत धीरे चलते हैं. शिप की जर्नी अगर कभी किसी ने करनी हो तो आपको ध्यान रहे कि शिप बहुत ही स्लो चलेगा और बहुत देर से आप पहुँचेंगे. और एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड एरोप्लेन इज एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट्स वेरी कॉस्टली ऑल्सो. ठीक है, एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड ओनली एट द एयरपोर्ट. जैसे रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है और वहीं रुकती है, और इसी तरह से एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कहाँ से करते हैं, एयरपोर्ट से. ठीक है, और एयरपोर्ट पे ही लैंड करते हैं. ठीक है, और जो पूरे कंट्री में जो फ्लाइट्स होती हैं वो नेशनल फ्लाइट हैं, और जो बाहर जाते हैं इंडिया से बाहर, दैट आर कॉल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्यूल्स. मॉडर्न व्हीकल्स नीड फ्यूल इन ऑर्डर टू मूव. ठीक है, व्हीकल को मूव होने के लिए उसको पेट्रोल चाहिए ना, उसको फ्यूल चाहिए. फ्यूल मीन्स ईंधन, उसको चलने के लिए ईंधन चाहिए. ठीक है, फ्यूल चाहिए. पेट्रोल, डीजल, कोल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल्स वी यूज टू मेक अवर व्हीकल्स रन. ठीक है, हमें अपनी व्हीकल्स को चलाने के लिए ये फ्यूल ज़रूरी है, इनके बिना हमारे व्हीकल्स नहीं चलेंगे. राइट, ये देखो CNG सिलेंडर है, ये किसी कार के डिक्की में है, ये यहीं पर रखा जाता है. ठीक है, और इसमें CNG गैस फिल होती है, और ये CNG गैस से व्हीकल जो है, कार है, ये मूव होती है. इसमें पेट्रोल फिर नहीं डलता. ठीक है, अगर CNG यूज़ करें तो इसमें पेट्रोल यूज़ नहीं होगा, इसमें CNG गैस यूज़ होगी. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. यू हैव टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. ओके.